ये जो मौके आते हैं ना शबे बरात के, शबे कदर के, ये बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से दिए हुए मौके होते हैं कि चलो तुम्हें चांस देते हैं, वो बंदी कोई नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला की तरफ से मौका दिया जाता है कि चलो अपने आप को क्लियर कर लो, चलो तुम्हें मौका देते हैं। या अल्लाह करना क्या है? फरमाया करना कुछ नहीं है, बस आकर सच्चे दिल से दो रखते पड़े, तोबा करे, अर्श का मालक आपकी पिछली सारी माफ कर देगा। एक रवायत में आता है 15 शबान वाली रात अल्लाह ताला आसमानी दुनिया में अपनी रहमतों से जलवागर होता है और फरमाता है कोई मुझसे रिज्क मांगने वाला, मैं उसको उसकी झोलियां भर दूं, है कोई मुझसे माफी मांगने वाला, मैं उसके गुनाह माफ कर दूं, है कोई मुझसे अफियतें मांगने वाला, मैं उसको अफियतों से नवाज दूं, है कोई मुझसे फलां चीज मांगने वाला, है कोई मुझसे फलां चीज मांगने वाला, उसकी रहमत आवाज लगाती है और ये आवाज ग़ुरूब आफ्ताब से लेकर तुलू फजर तक मुसलसल अपने बंदों को दी जाती है। और जो बंदा उसकी बरगाह में सजदा रेज होता है, उससे माफ़ी मांगता है, उससे झोली उठाकर मांगता है, तो अल्लाह ताला उसको उससे भी ज़्यादा नवाजता है कि हस खस जिना कदर ना मेरा ते मेरे साए बनू वडे आईया ते मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा ते मैं ले चढ़ाया साइया।